फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, अक्सर मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं डिलीवरी प्रोसेस को लेकर। जो महिला प्रेग्नेंट है उनका एक अक्सर सवाल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितने घंटे लगते हैं या बच्चा बाहर आने तक उनको कितनी देर तक लेबर पेन से गुजरना पड़ेगा, उनको कितनी देर तक प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन होगा, कितने घंटे लगेंगे डिलीवरी होने में और सर्विक्स फुल्ली मतलब 10 सेंटीमीटर खुलने में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखे। साथ में अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की रेड बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले कुछ कारण जानते हैं जिसकी वजह से आपको कितना टाइम लगेगा डिलीवरी में ये पता चलता है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली कितने घंटे लगेंगे नॉर्मल डिलीवरी से बेबी बाहर आने में। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपकी सेकंड या थर्ड टाइम है बेबी डिलीवरी होने की, तो फर्स्ट डिलीवरी के मुकाबले आपको कम टाइम लगेगा आपकी डिलीवरी प्रोसेस होने में। दूसरी वजह हो सकती है आपकी उम्र यानी एज। आपकी डिलीवरी की कितना टाइम लगेगा ये आपकी एज पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई महिला 30 से 35 साल की है तो डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगेगा, वही कोई लड़की 22-23 की है तो डिलीवरी में कम टाइम लगेगा। यानी जितनी उम्र ज्यादा उतना टाइम लगेगा आपकी डिलीवरी प्रोसेस होने में। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वह है कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपके कॉन्ट्रैक्शन यानी दर्द स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इसका मतलब आपकी डिलीवरी जल्दी होगी। ज्यादा कमर दर्द, पेट दर्द होगा। अगर आपके पेन यानी कॉन्ट्रैक्शन बहुत सौम्य या माइल्ड है, बर्दाश्त की हद में है, तो डिलीवरी में टाइम लग सकता है। इसका मतलब जितने कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतने जल्दी आपकी डिलीवरी होगी, जितने माइल्ड सौम्य रहेंगे उतना ही देर लगेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है बेबी की पोजीशन। अगर बेबी पेल्विक कैनल में आ गया है तो जल्दी डिलीवरी होगी। साथ ही में बेबी हेड डाउन पोजीशन यानी सेफालिक पोजीशन में है तो जल्दी डिलीवरी होगी। अगर उल्टा है यानी ब्रिज पोजीशन में है तो समय लग सकता है या फिर सी सेक्शन थ्रू आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है डिलीवरी होने में, कितने घंटे लगेंगे आपकी बेबी डिलीवर होने में। देखिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी सर्विक्स लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर खुला होता है। जिनको नहीं पता सर्विक्स क्या है उनको बता दूं, ये यूटरस की ओपनिंग होती है जो कि वजीना की साइड में खुलती है। सर्विक्स बेबी डिलीवरी के टाइम 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है। ठीक है, जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तभी बेबी बाहर आता है। अब जानते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद सर्विक्स हर घंटे कितना खुलता है, क्योंकि सर्विक्स जितनी जल्दी खुलेगा उतनी ही जल्दी डिलीवरी होगी। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, मतलब है कि पहली बार डिलीवरी की प्रोसेस से जा रही हो, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, 1 सेंटीमीटर सर्विक्स खुलने में लगभग आपको 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर ये आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है की डिलीवरी का टाइम है तो आपको सर्विस खुलने में 1 घंटा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स, अगर ये आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ये आपको सेकंड या थर्ड है तो आपको उसके मुकाबले कम टाइम लगेगा। सो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाले लेडीज को एक्टिव लेबर आने के बाद सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुलने तक 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। किसको? फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाले लेडीज को। ठीक है फ्रेंड्स, वही दूसरी बार मां बनने वाली लेडी को डिलीवरी होने में लगभग 5 से 6 घंटे या फिर 3 से भी कम घंटे लग सकते हैं डिलीवरी होने में। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं फुल डायलेशन के बाद यानी जब आपका सर्विक्स है वो पूरा 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद आपको कितना टाइम लगेगा बेबी डिलीवर होने में। यह भी अगर ये आपका पहला बच्चा है तो फुल डायलेशन के बाद आपको
एक से 1.5 घंटा और सेकंड टाइम है ये डिलीवरी प्रोसेस की, तो उन लेडीज को 10 से 15 मिनट लग सकता है बच्चा बाहर आने में। साथ ही साथ 15 मिनट प्लासेंटा को बाहर आने में लगता है। सो फ्रेंड्स, अब समझ गए होंगे कि सर्विक्स कितना खुलता है, और ये भी डिपेंड करता है, कुछ बातें डिपेंड करती है कि सर्विक्स जल्दी खुलने में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो थ्रू आप जान चुके होंगे सर्विक्स के बारे में कि आपको सर्विक्स खुलने में कितना घंटा लगेगा, और ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट डिलीवरी टाइम है या फिर आपकी सेकेंड डिलीवरी टाइम है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।